कैसे भी सब लोग दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपका 10 जनवरी का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें जीके जीएस के जो सवाल रहे हैं बच्चों, वो क्या क्या रहे हैं, जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों ने बच्चों ने हमें बताए, वो सारे सवाल हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। ठीक है भैया, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि बात पूछा है पानीपत के तीसरे युद्ध के लेकर सवाल पूछा बच्चों। अगर यहाँ पर बात करें पानीपत के तीसरा युद्ध जो आपका होता है वो तो 1761 में होता है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में बच्चों। इसके अलावा गोल क्रांति को लेकर सवाल पूछा जो कि आलू के उत्पादन से संबंधित है ना। अब देखो बाकी क्रांति भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। ठीक है, अमृत क्रांति बहुत पूछी जाती है जो कि नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है, इसी तरीके से इंद्रधनुष क्रांति, तो ये सारी क्रांतियां आप लोग एक बार देख लेना। हालांकि क्लास में कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता बच्चों कौन रहे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो एक सवाल आपका ये पूछा गया बच्चों, इसका मतलब आपका जो है चिपको आंदोलन से पूछा गया, तो इसी आधार पर जो और आंदोलन है जैसे खेजड़ी बचाओ आंदोलन आपका रहा है तो उससे भी आप लोगों का सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान का जो आंदोलन बच्चों। इसी तरीके से यहां से अगर आप लोगों से बच्चों आगे बढ़े, ठीक है, अगर आगे देखें बच्चों क्या यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है। ठीक भैया, यहां पर अगर देखें क्वाड समूह पे सवाल पूछा गया था कि कौन सा देश क्वाड समूह में शामिल नहीं है, तो देखेंगे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश हैं जो क्वाड समूह में शामिल है। मतलब इसके अलावा अन्य कोई जो भी ऑप्शन रहा होगा वही आपका राइट आंसर यहां पर होगा बच्चों। संवेग की इकाई के बारे में बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आप इसे कह सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से पहले ओलंपिक के ध्वजवाहक, मतलब जो पहला ओलंपिक था उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहते हैं, तो याद रखेंगे पूर्णा बनर्जी आपके सवाल का यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से बच्चों अगर आप लोग उससे बात करें, ठीक है भैया, तो फर्स्ट योजना अवकाश, पहला योजना अवकाश आप लोगों से पूछा गया जो कि 1966 और मतलब कहते हैं 1966 आपका टाइम पीरियड यहां पर याद रखेंगे। इसके अलावा जीएसटी का अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया बच्चों जो कि क्या है 101st अमेंडमेंट एक्ट है। यहां पर बिल नंबर नहीं बताना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे 122 को लेकर, ना ना भैया यहां पर अमेंडमेंट एक्ट बताना था जो कि 101 आपके सवाल का यहां पर क्या हो जाता है राइट आंसर बच्चों। इसी तरीके से प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 को लेकर सवाल पूछा था विराट कोहली को टारगेट करके। ठीक है भैया, तो ये सारी बात याद रखेंगे। अब इसी तरीके से बच्चों और अगला सवाल देखें यहां पर क्या क्या सवाल पूछे, काला घोड़ा महोत्सव को लेकर सवाल पूछा है जो कि कहां का बच्चों, मुंबई या महाराष्ट्र का आप इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों आपसे क्या पूछा है, फीफा का हेडक्वार्टर, क्या पूछा भैया, फीफा का हेडक्वार्टर, ज्यूरी का आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि फीफा पे हर बार सवाल पूछ रहा है, दोनों शिफ्ट में सवाल पूछे गए, इसका मतलब क्या आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फीफा पे आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे बच्चों। उसके अलावा टीएच विनायक राम को लेकर पूछा है कि कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन से संगीत से संबंधित थे, तो यहां पर याद रखेंगे घाटम से संबंधित है बच्चों। क्या है, मतलब थेटाकुड़ी हरिहर विनायक राम इनका पूरा नाम है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर बच्चों आप लोगों से बात करें, ठीक है, तो चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया ना, चीन की दीवार का नाम निर्माण किसने कराया, तो किन सी हुआम कैसे बच्चों क्या है, इनके द्वारा चीन की दीवार का निर्माण कराया गया। इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि भारत में चीन की दीवार किसे कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है उसे भारत की चीन की दीवार कहा जाता है बच्चों, या कहते हैं दूसरी सबसे बड़ी दीवार आप इसे कहते हैं। झुंपा लाहिड़ी की बात करें बच्चों, इनकी किताब देखिए कई बार आप लोगों को बताई जा चुकी है, इंटरप्रेटर ऑफ मारीज, इस किताब के लेखक कौन है, झुंपा लाहिड़ी। इनकी बाकी किताबें मैं आपको बता चुका हूं, सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है बच्चों यूपी कांस्टेबल के लिए, तो अगर इसके बाद आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है भैया, इसके अलावा इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति को टारगेट करके एक सवाल पूछा गया है, मुझे नहीं पता, अगर आपको बताए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मुद्रा स्फीति को लेकर क्या सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है भैया, एक बच्चे ने बताया दर्रे पे एक सवाल पूछा है, अब सवाल बच्चे ने नहीं बताया लेकिन दर्रे पे एक सवाल पूछा गया, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सवाल था जो दर्रे को टारगेट करके यहां से पूछा गया। आर्टिकल 21 को लेकर सवाल पूछा गया जो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार या राइट टू लाइफ से आपका संबंधित है। ठीक है भैया, इसी तरीके से बच्चों यहां पर देखेंगे तो ये सारे सवाल हैं जो सेकंड शिफ्ट में बच्चों के द्वारा बताए गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि जो बच्चों ने यहां पर बताए बच्चों। ठीक है भैया, इसी तरीके की बाकी अपडेट आप लोगों को मैं देता रहूंगा SSC एग्जाम बाई एग्जामपुर चैनल पर। ठीक है, और यहां पर बच्चों याद रखिए यूपी कांस्टेबल की जो मेरी क्लास है वो चलती है सुबह 9 बजे एग्जामपुर मेन चैनल पर, और SSC पर मेरी क्लास चलती है बच्चों क्या शाम को रोजाना 5 बजे जो कि मास्टर क्लास है जीके जीएस की, तो वहां पर मिलेंगे बच्चों। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चों। तो बाय दोस्तों।